Assalamu alaikum, my beautiful, lovely YouTube family. How are you all doing? I'm hoping you're all doing well. Ramadan ka day 3 tha aaj. और इसके साथ ही मैंने दो तीन चीज़ें बस बनाई थी और इसमें ये है स्ट्रॉबेरी स्मूदी मैं बना रही हूँ. आई जस्ट एडेड अ कप ऑफ मिल्क इन इट एंड देन आई एड अ सैशे ऑफ स्टीविया एंड 250 ग्राम्स का मैं योगर्ट का एक डब्बा डाल दूँगी इसके अंदर और ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज हैं ये जो कि मैंने अच्छी तरह धो के इनको इनका जो स्टेम है वो उतार दिया हुआ है और अब मैं इसके अंदर इसको योगर्ट ऐड करके और ये स्ट्रॉबेरीज ऐड करके तो आई विल गिव इट अ गुड स्पिन इन द ब्लेंडर और उसके बाद जो है ये स्मूदी प्रिपेयर हो जाएगी और इट विल बी ऑल सेट टू गो इन द फ्रिज फॉर द इफ्तार. तो आप लोग कैसे बनाते हैं अपनी स्मूदीज? मैं तो खैर वेरिएशन हम लोग हर फ्रूट्स के साथ भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेरीज, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें कर लेते हैं. तो आज की जो मेरी मैंने अपना वो पूरा मेन्यू जो आज का है वो तो है चना चाट, तो ऑलमोस्ट एवरी डे इंशाल्लाह होता है हमारे घर पे. उसके अंदर मैंने एक ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी और चिकन चटनी रोल और मिक्स पकौड़ास एंड सम आलू पकौड़ास एज़ वेल. तो बस ये होगा हमारा आज का मेन्यू और बस हम मैं रोज़ कोई इतना कुछ डिफरेंट. आज मैंने चिकन टिक्का बनाने का सोचा था बट माई सन सेट के नहीं आज मैं पराठा रोल खाना है तो फिर आई मेड चिकन चटनी पराठा रोल और इंशाल्लाह कल परसों जब भी मैं बनाऊँगी तो आई हैव ऑलरेडी मैरिनेटेड द चिकन टिक्कर्स एंड केप्ट देम इन द फ्रीज़र तो वो निकाल के फिर मैं वो बना लूँगी इंशाल्लाह. सो ये देख लें, ये बस अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. इतने अच्छे कलर और इतनी अच्छी टेस्ट की ये स्ट्रॉबेरीज आ रही थी आज तो मैंने सोचा फ्रेश फ्रेश इनको बना लेते हैं. And I'm just going to pour them in a this thing glass bottle. इस ये भी बॉटल में मैं भी जैसे pour कर रही हूँ तो फिर उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और इफ्तार के लिए उस वक्त मुझे भागना नहीं पड़ेगा इफ्तार टाइम पर. सो इस वजह से मैंने ये तो मैंने सुबह सुबह कर लिया था. बाकी चीज़ें आई डिड इन लाइक यू नो असर के बाद लाइक द चिकन चटनी रोल ये जो अभी लिया था क्यूब्स के अंदर बोनलेस जो है उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों और योगर्ट और 3 टेबल स्पून और तंदूरी चिकन मसाला और टिक्का मसाला विथ पेपरिका पाउडर अ लिटिल बिट ऑफ बल्कि 2 क्यूब्स ऑफ लेमन जो मैंने प्री रमदान प्रिपरेशन में बना लिया हुआ था और क्रश चिली पेपर्स और थोड़ा सा वो पेपरिका तो मैंने बता दिया और ऑलिव ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट रेडी करने के लिए हाफ एन आवर छोड़ दिया हुआ है. उसके बाद छोड़ने के बाद आई पुट इट ऑन द स्टोव उसके ऊपर वोक में मैंने डालकर उसको थोड़ी देर के लिए स्टीम होने के लिए रख दिया था लिड डाल के ऑन लो टू मीडियम फ्लेम पे. जब ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा चिकन और ये जिसका जितना पानी है इसके अंदर वो ड्राई हो जाएगा तो आई विल पुट अ कोल और उसको जो है ना वो मैं दे दूँगी जो चार देते हैं इसके अंदर स्मेल के लिए वो करके तो फिर उसके बाद इट बी रेडी बिकॉज चिकन आपको पता है बहुत जल्दी रेडी हो जाता है. इन द मीन वाइल मैं यहाँ पर जो प्री मेड जो वो फ्रोजन पराठाज होते हैं उनको मैं बस यहाँ पर वो सेक लूँगी और जब वंस दे आर डन तो वो मैं जो है फिर मेरी बाकी की प्रेपरेशन करके फॉर द पराठा रोल वो मैं रोल कर दूंगी. और हम लोग जो है इसमें ना प्याज डालते हैं ना कोई एडेड चीज़ डालते हैं, सिर्फ चटनी डालते हैं बिकॉज मेरे बेटे को बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है. सो आई ऑल्सो ईट द सेम थिंग जैसे वो मेरा बेटा खाता है. अदरवाइज़ मैं अपने लिए अलग से प्रेपरेशन करूँ कि मैं उसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रेटेड अनियंस भी डाल सकती हूँ और टमेटोज डाल सकती हूँ, कैप्सिकम डाल सकती हूँ. यू नो यू नेम इट एंड यू कैन पुट ऐड वॉट एवर वेजिटेबल्स यू लाइक यू विल. तो उसके बाद जो है मैंने बिल्कुल इसको चटनी रोल बनाया है विदाउट द अनियंस. यूजली अनियंस मोस्टली डलते हैं इसके अंदर ना. उसके बाद ये देखिए मैंने 4 दे दिए इसके अंदर चाकुल से और इसको ये रेडी हो गया. फिर सारा पानी इवेपोरेट हो गया और अब जो है ना मैं सारे मेरे पराठास भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हूँ मैं.
तो मैं जो हूँ उनको अब रोल करना शुरू कर दूँगी चटनी लगा के। और ये देखिए मैंने यहाँ पर फॉयल्स अलग अलग छोटे छोटे स्क्वेयर्स में काट लिए हैं फॉर ईच पराठा रोल, ताकि वो मैं जैसे ही प्रिपेयर करूँ तो उनको मैं साथ साथ रैप एंड रोल कर लूँ। तो ये देखिए मैं चटनी पूरा पराठा पे स्प्रेड कर दूँगी और अलग से सर्व भी कर दूँगी अगर कम लगे या ज़्यादा लगे। यूजुअली मेरी चटनी बहुत चटपटी और खट्टी सी होती है, तो इस वजह से चाहिए नहीं होता है एडेड, लेकिन मैं फिर भी साइड पे रख देती हूँ चटनी। और तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है चिकन का, और बहुत टेंडर और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, और इफ़ यू लाइक इट तो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई किया इन द कॉमेंट सेक्शन। और ये देखिए ये यहाँ से मैं इसको साथ साथ रोल करती जाऊँगी सो दैट इट स्टे वार्म जब तक हमने खाना होगा तब तक के लिए, क्योंकि यू नो इन रमदान यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, हर एक चीज़ का एक अपना टाइम होता है, उसके बाद जो है फ्राइड आइटम्स का टाइम आ जाता है, तो फिर यू कैन नॉट बी इन द किचन 24/7। तो ये मैंने प्रिपेयर करके गुड 15-20 मिनट्स पहले मैंने ये बना लिया था, उसके बाद मैंने जो है पकौड़ाज रेडी करने शुरू कर दिए थे। और ये चटनी भी जो है मैंने रमदान डे वन पे बनाई थी, जो अभी तक चल रही है और आज ख़त्म हो जाएगी, और आई हैव टू मेक इट टमोरो लाइक रमदान डे फॉर। तो उस अभी तो अभी के लिए ये बहुत है सफिशेंट। तो इसमें मेरे 4-5 पराठास बन गए थे 500 ग्राम चिकन में, बाकी की जो मैंने मैरिनेट था वो संभाल के रख दिया था, बिकॉज आई नो कितने मुझे चाहिए होता है इतने पराठास में कितना चिकन यूज़ होगा, तो मैंने फिर उस हिसाब से इसको कर लिया है। ये जो है रमदान हैम्पर मेरे कज़न्स ने कुवैत से यहाँ पर किसी को बोला था करने के लिए। इनफैक्ट वो जो मेरे यहाँ पर भी दूसरे कज़न्स हैं जिन्होंने ये इंटीरियर वेशन इनका नाम है, उनसे ये हैम्पर्स बनवाए थे, और दे वर सो स्वीट कि उन्होंने मुझे एक और हैम्पर भी भेजा था एज अ यू नो क्या कहते हैं इसको PR। तो वो भी मेरे पास है, और ये जो है ये मेरे कज़न्स कुवैत से, उन्होंने दे वर सो स्वीट कि मेरा इतना अच्छा दिन गुजरा फिर इसके बाद। यू नो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर रमदान के लिए, और मगर इतना अच्छा लग रहा था कि इन द वे द थिंग्स वर यू नो पुट टुगेदर। ये देखें इसके अंदर हर चीज़ एसेंशियल्स ऑफ रमदान है। सो आप अगर इनसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक भी दे दूँगी, और इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी इनको मेंशन कर दिया इन माय स्टोरीज एंड इन द पोस्ट एज वेल। इंटीरियर वेशन है इनका नाम, और ये मैंने मटका में चना चाट बना दिया था, और ये मेरा पकौड़ा का मिक्सचर है। इसके अंदर मैंने सिर्फ प्याज जो पोटेटोज होते हैं, ग्रीन चिलीज है, कोरिएंडर है, और क्रश चिली पेपर्स, बेसन और जो क्या कहते हैं उसको उतना पानी में ऐड करती जाती हूँ जितना ज़रूरी है। मैं पहले से पानी और ग्राम फ्लावर को मिक्स नहीं करती। अनारदाना भी इसमें मैंने डाला हुआ है पीस के, और बस इस तरह से अब मैं इसको लो टू मीडियम हीट पे पहले मैं डालती जाऊँगी, सो दैट ये जो आलू है और सब चीज़ें हैं वो एकदम ऊपर से जल नहीं जाएँ और अंदर से प्रॉपरली कुक होकर, और बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा ये पकौड़ेज बने थे। ये मिक्स पकौड़ेज होते हैं जो सब लोगों की अपनी अपनी वेरिएशंस होती हैं, इसके अंदर भी हर किसी का डिफरेंट होता है। सो मैंने आज इस तरह से किया है सॉरी और यूजुअली आप बहुत सारी वेरिएशंस के साथ पकौड़ेज बनाते हैं, हर किसी के घर में डिफरेंट होता है। सो यू नो मे बी आई ट्राई सम अदर डे आई मेक चिकन पकौड़ेज, और आई लाइक दैट पेरी बाइट्स जो होती हैं वो मैं बनाऊँगी किसी दिन। तो हर दिन जो है मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, लेकिन हम बहुत कम चीज़ें बनाते, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते। सो देखें आज भी हमारे टेबल पे चना चाट ऑलरेडी मेरे पास कल की जो थी वो है, और ये पकौड़ाज मैंने आज बनाए हैं, और चिकन चटनी रोल्स बनाए हैं। बस हम लोगों ने ये इफ्तार के लिए रखा था, और ये भी हमारे से ख़त्म नहीं हो रहा था आज भी। सो होपफुली आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट शेयर इट सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।